हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे न्यू वीडियो पे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए चलते हैं। आज हम बनाएंगे कलेजी ब्लड। तो ब्लड कलेजी के लिए हमने लोहिया गर्म कर चुका है, तेल भी गर्म हो चुका है। तो हम डालेंगे जीरा। तो देखिए जीरा भुना रहा है। तो हम डालेंगे प्याज। देखिए हम डालेंगे प्याज, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन हो सकता। एक किलो बट के लिए काफ़ी है अनियन। और देखिए इसको भूनते तक अच्छे से ब्राउन कीजिएगा, इसे अच्छे से भून भून के। देखिए देखिए हमारा कलेजी बट है। तो इसमें जा रहा है एक नींबू, इसके नींबू का रस मिक्स कीजिएगा अच्छे से। मिक्स हो चुका है। हमने होम मेड मसाला यूज रेडी किया है। हम दिखाते हैं, हम बताते हैं कि क्या क्या मसाला यूज हुआ है। देखिए गाइस हमारा कलेजी बट भून चुका है, ये देखिए रेडी हो रहा है। और देखिए जो होम मेड मसाला था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए तो सीरा ना करना है, सूखा करना है। देखिए तो ज़्यादा मसाला की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। बट हाँ, लहसुन और अदरक का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि लहसुन अदरक का ही टेस्ट बढ़ाता है। ये देखिए दो चम्मच गया अदरक लहसुन का टेस्ट, और थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक। देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं भूनने के साथ में। तो ये देखिए गाइस मेरा कलेजी बट रेडी हो चुका है। देखिए इसमें आया थोड़ी सी धनिया गार्निश के लिए। ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है, 30 से 35 मिनट में रेडी हो जाता है। इसको अच्छे से भुनना रहता है ना। तो इसलिए देखिए रेडी हो चुके हैं। तो देखिए गाइस मैं सर्व कर चुकी हूँ, मेरा कलेजी बट रोटी रेडी हो चुका है। और कलेजी बट के साथ मैं दोस्त की रोटी ले सकती हूँ। आप नान रोटी भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, और पुलाव भी ले सकते हैं। मैं देखें मेरा रेडी हो चुका है, आप ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बेल आइकन से प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।